दबाव बनाओ, लठवा जाओगे, लठवा जाओगे गेट ठाडा। या सरकार महाभारत चारी, महाभारत होगा, कोई नहीं रोक सकता है। तारीख तो हमने दे रखी 26। 7 साल में खालिस्तानी कहाँ बस रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक हुई और हमेशा की तरह ये बैठक भी बेनतीजा रही। इस बैठक में खास ये रहा कि जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि स्थगित किया जाएगा 1-1.5 साल के लिए, 2 साल तक, उसे किसानों ने ठुकरा दिया है। अब सरकार ने जो है अगली तारीख तय नहीं की है। इसी मुद्दे को लेकर हम किसानों के बीच में हैं और किसानों से जानेंगे कि अब वो क्या सोचते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ किसान हैं हमारे पास, अलाव जल रहा है इधर और बड़ी संख्या में किसान बैठे हुए हैं। अभी तक तारीख पर तारीख मिल रही थी, लेकिन आज की जो बैठक हुई 11वें दौर की बैठक हुई, हमेशा की तरह बैठक बेनतीजा रही, लेकिन इस बार सरकार ने नया ये है कि तारीख नहीं दी है। क्या कहेंगे? सरकार तारीख भी देगी, सरकार सब काम करेगी, जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार करेगी, लेकिन अभी ये 26 तारीख का इंतजार कर रही है कि किसान कैसे भी हट जाए, लेकिन किसान हटने वाला नहीं है। अब किसान ने पूरी तैयारी 26 तारीख की कर चुकी है, 1 लाख ट्रैक्टर अभी सीमा पर खड़े हैं तैयार, बिल्कुल जो बिल्कुल इशारा देने की ज़रूरत थी, और वो आधे से तो आ चुके हैं आज सीमा पर, कल तक सुबह तक आज पहुँचेंगे। तो ट्रैक्टर जो रैली होगी, जो परेड होगी, वो परेड होगी, अब है ना, अब उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है किसानों का। जब सरकार नॉर्मल नहीं हो रही तो किसान भी नॉर्मल नहीं होगा। ये खुले खजाने हमारी सरकार को चेतावनी है। अब क्या अब उम्मीद है, अब क्या उम्मीद करते हैं कि बात कैसे बने? बात तो भाई साहब बनने वाली है ही ना, किसान तो पूरी तरह से उठ चुके हुए, देहात से ट्रैक्टर छूट चुके हैं, और दिल्ली में परेड अब और काय की ना होगी, किसानन की होगी। लाल किले पे परेड किसानों की होगी, कह तो फाइनल होगी, बिल्कुल ईट भी ईट लगेगी। तो किसान से, हाँ परेड से समस्या, परेड से ना आए, हम जो कह रहे कि देखेंगे वह मामले, किसान ना आए, अब उन्हें पता चल जाए किसान ना आए। किसान तो बिल्कुल धर चुके हो, जो करना हुआ है अपने इंतजाम पे आयो पूरा। कहाँ से आए तो? नगेड़ा, गौतम बुद्ध नगर। कितनी उम्र हो गया? मेरी 58। अब सरकार ने तारीख ही नहीं दी है, मतलब बातचीत अभी फिलहाल के लिए कोई तय नहीं है। हाँ, तो क्या लगता है, उम्मीद है? उम्मीद ना तो हम का जा रहे हैं, कब तक बैठे रहे? जब तक हमारो ये तो बतावे को मनो तो है ही, एक दिन आप ना मरे या 2 साल पीछे मरेंगे, देंगे ही जब जाएंगे, जब तक तो किसान पूरी तरीके से, उनका साफ कहना है कि वो डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, कोई भी उनकी जो उम्मीद है, उम्मीद पूरी तरीके से बरकरार है। कितना कितना हौसला है आपको? अभी तक तारीख नहीं मिली है, अब क्या आपको हताशा हुई है क्योंकि तारीख नहीं मिली है? ना मिलने दो तारीख, तारीख ना मिलने दो, तारीख की हमें जरूरत ना, तारीख ना मिलने दो, तारीख ना मिलने दो, बिना तारीख के हम ये आंदोलन पूरा तैनात होकर लड़ेंगे, और सड़क जब छोड़ेंगे, जब ये 3 कानून हट जाओगे, अन्यथा तो सड़क ना छोड़ेंगे, दिल्ली में प्रवेश करेंगे 26 तारीख में। तो 26 तारीख जो किसानों की ट्रैक्टर परेड है, उसे लेकर किसान कह रहे हैं कि उसमें अपना दमखम दिखाएंगे और सरकार को बताएंगे कि वो असली किसान हैं और अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। क्या क्या कहेंगे? सरकार को तो हर हाल में झुकना ही पड़ेगा, क्यों? देखो कितने दिनों से किसान यहाँ बॉर्डर पे तैनात है, और इसके बारे में सरकार को जरा भी इतनी भी शर्म नहीं आई कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी इन्होंने शर्मसार कर दिया। अगर पूर्व प्रधानमंत्री होते तो वे भी इस आदेश को जो है मतलब वो मना कर देते, वापस कर लेते, हमारा ये मानना है। सरकार तो कह रही है कि किसान अड़े हुए हैं, वो समझौता चाहते हैं। क्या देखिए, हम यहाँ 2 महीने पहले हम आए, हम अड़ने के लिए ही तो आए, और अड़ी हम रहे हैं। 11-12 तारीख उन्होंने दे ली, हमने तो नहीं दी, हमने उनकी तारीख माननी, हमने तारीख दे रखी केवल 1, 26 जनवरी हम परेड मना करेंगे,
यार उन्हें अधिकार है, वे देश के पैसे से गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हमें ये भी अधिकार नहीं कि हम अपने पैसे से खुद गणतंत्र दिवस मनावें? हैं, हम तो असली आदमी हैं ना, हैं, असली नकली का वहाँ पता लगेगा? डर हम उनका बिल्कुल नहीं रहे, इतने भी नहीं डर रहे, झुट्टू भी जो डरते लिकड़ के ही नहीं आवे थे, हम नहीं हटा किसी हाल भी चुक्कर भी उन वे तारीख दे लो सोरे एक भी ना दो, मारी एक एक झेल लियो है बस। सरकार ने साफ कहा है कि हमने जो प्रस्ताव रखा है, अगर किसान संगठनों को लगता है कि वो प्रस्ताव सही है उस पर विचार करें, फिर हमें बताएं, फिर हम बातचीत की तारीख तय करेंगे। हमारे साथ कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। अभी तक तारीख नहीं मिली, क्या कहेंगे आप, क्या इस तारीख ना मिलने से क्या किसानों में थोड़ी बहुत हताशा हुई है? हताशा कुछ ना, ये अपनी बदमाशी कर रहे हैं पूरी। तारीख नहीं मिली कोई बात नहीं है, आज हमें इतनी खुशी हुई है, हमें तारीख नहीं हुई, हमारी तारीख नहीं मिली। हम 26 तारीख को परेड करेंगे, सही करके करेंगे, हमने अपनी चूड़ी नहीं पहनी है हाथों में, अब हम इनकी परेड देखेंगे और हम परेड भी करेंगे। दसवें दौर की वार्ता हुई, लगा कि सरकार थोड़ा झुक रही है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं तैयार। भाई सरकार को तो झुकना पड़ेगा, कोई चारा उसके दौरा ही नहीं दूसरा, ठीक। सरकार के पास कोई चारा नहीं, लेकिन सरकार तो बार बार, जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, वो बार बार किसान को तो नकली बता रहे हैं, तो कहां से झुकने को तैयार? या सरकार महाभारत चारी, महाभारत होगा, कोई नहीं रोक सकता इसे। हाँ, विनाश है काले विपरीत बुद्धि, इस सरकार की बुद्धि फिर रही, विनाश होगा, मरेंगे कम से कम 20,000 जवान, मर जाओ या किसान मर जाओ, जोन सुगो या नकली बता रही, ना किसान हटे ना जवान हटे, वे भी मारे बेटे हैं, वे भी हटके नहीं जावे, अपना फर्ज पूरा करेंगे, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, इस सरकार को दिखा देंगे, ये दिल्ली की सड़क जो है काली है, इन्हें खून से लाल कर देंगे। ताऊ कहाँ से आए आप? हम बागपत जिले से। कितनी उम्र होगी आप? हमारी 80 साल। तो अभी तो बात बनने वाली नहीं, कब तक बैठे रहेंगे? ऐसा है ना, बनो यह दिल्ली हमारी है, इसके बाप की यह दिल्ली बोल नहीं रहा, 70 आदमी मर ले, इसके कान खोल लेंगे हम सुधार के, ना दिल्ली 6 महीने हो जाओ, ये ट्रैक्टर भी यही लेंगे, इब डॉक्टर भी लाओगे हम यहाँ, और वहाँ भी खेत में काम करेंगे, यहाँ तो ना जाओ, हम इसके मुंह पर चढ़ा के मार के जिप जाएंगे, इनसे इसे हटाओगे, इनसे हम हटा दिया ही तो काम तो ही जान सकता, और दिल्ली में तो हम काटी के जाएंगे, कोई बात करेंगे, माँ भारत करवाओगे आज ही, इसका के पर है हमारे जब तक तो माँ है जो उनसे ना डाल के खड़े करे, वे हमारी शिकल देखती थोड़े को नार करेंगे, और हम सूदे वही जाएंगे, लाल किले पर झंडा हमने बांधा, जयपुर बांधा, ये फिर बंधवा दिया इनने हमारे हाथ से। तो बीजेपी ने, तो बीजेपी के जो नेता हैं उनका तो कहना है कि ये नकली किसान हैं, बदमाश हैं, AK-47 लेकर उधर बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ है क्या? भाई ऐसा है, जो बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या इनका कृषि मंत्री, जो किसानों के औजार बता दे, औजारों के नाम बता दे, तो हम मान जाए नहीं किसान असली है, इन्हें तो नुभ नहीं पता, हल्की फाड़ी कंघे तक घसे है, इन्हें नु नहीं पता, इन्हें किसानी का पता ही नहीं, किसानों का खून चूस के मोटे हो गए, ये बात यार ही इनकी तारीख ये कौन है देने वाले, तारीख तो हमने दे रखी 26 को बता देंगे हम, इसे असली कौन है नकली कौन है, नकली रहेगा या असली रहेगा? बता दें कि इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कड़ाके की ठंड है, अगर आज के तापमान की बात करें तो 1 या 2 डिग्री से तक होगा ये, तो यहाँ एक बात तो साफ है कि यहाँ बॉर्डर पर या तो जवान बैठ सकते हैं या किसान बैठ सकते हैं, जो लोग इन्हें नकली बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, वो इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने कम टेम्परेचर में नहीं बैठ सकते। कुछ और किसान हैं, उनसे बात करेंगे, क्या हुआ आप, आपकी हिम्मत अभी तक बनी है? हिम्मत ना भाई, या तो तुम्हें भी देखती होगी, जब हम यहाँ पड़े उठे तो हम ही नहीं उठे, नहीं आर पार करे बिना नहीं उठे, पूरा युद्ध करेंगे, पूरी लड़ाई करेंगे, और ट्रैक्टर चलेंगे 26 में पूरे मारे लाइन लग जाएगी, और गामों में तो ट्रैक्टर आवा लग रहे बहुत घने लार लग रही। लगता है कि ट्रैक्टर आने से या बहुत ज़्यादा भीड़ जुटने से दबाव बढ़ेगा? दबाव बढ़ाओ, लठवा जाओगे,
लठ बजाओगे डेट ठाडा। सरकार के पास तो बहुत सारे पुलिस है, हमारे पास थोड़ा अड़ंगा, हमारे पास थोड़ा, हमारे पास घना है, घना पूरा काम करेंगे। भाई एक बात बता, सरकार नु कह रही है खलिस्तानी, ये 7 साल से राज कर रहे, खलिस्तानी आए कहाँ से? नु तो बता दो, इनकी आईबी, इनकी इंटेलिजेंस, इनकी मिलिट्री कर क्या रही थी? 7 साल में ये खलिस्तानी कहाँ बस रहा था? सरकार का कुछ दोष है, सरकार की जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा खलिस्तानी इन्होंने खपा कहाँ रखा था, ये इन्होंने ही पाल रखे थे या किसने पाल रखे थे? सरकार 7 साल से क्या कर रही थी? आईबी क्या कर रही थी 7 साल से?